हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस म्यूज़िक इंडिया एंड आप सभी लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2020। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था मैसेज भी आ रहे थे एनबीएस के रिज़ल्ट को लेकर के। तो रिज़ल्ट तो अभी नहीं आया है, कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो रिज़ल्ट के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं। तो सबसे पहले आपसे यही कहना है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक एंड शेयर कर दें, ओके, जिससे और भी लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि रिज़ल्ट तो आ जाएगा, ठीक है, रिज़ल्ट आने में कोई वो नहीं है, लेकिन रिज़ल्ट का अपडेट आते ही इंटरव्यू की तैयारी शुरू हो जाती है। और इंटरव्यू की करने के लिए, इंटरव्यू में जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो जो लोग श्योर हैं कि उनका आंसर की के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर बन रहा है ना, और जिनका नहीं भी श्योरिटी है, तो उन सभी लोगों को हमारी एक एडवाइस ये है कि वो सभी लोग आप सभी लोग अपनी तैयारी करें, ठीक है, इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे अभी शॉर्ट में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो इंटरव्यू के लिए ये है कि जो वोकल से हैं या तबला से हैं, आप किस म्यूज़िक में किसी भी चीज़ से बने रहिए, आपको वोकल मतलब गाने और कुछ एक इंस्ट्रूमेंट अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं भी हो तो बहुत ज़्यादा वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कुछ ना, जैसे जो वोकल वाले हैं तो उनको हारमोनियम तो थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, ठीक है, और जो तबला से हैं तो तबला उनको आता है या थोड़ा सा हारमोनियम भी आ जाएगा तो और अच्छी बात रहेगी। एंड इसके साथ ही आपको जैसे प्रेयर होता है, प्रेयर है आपकी, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है, पैट्रियोटिक सॉन्ग हैं, भजन है, गज़ल हैं, कव्वाली हैं, लोकगीत हैं, एंड एक्स्ट्रा मतलब ये तो आपके लाइट म्यूजिक के लिए हो गए इंटरव्यू में। इसके साथ ही क्लासिकल में जो राग सिलेबस में दिए होते हैं उसमें से पांच कम से कम बड़ा ख्याल बोलते हैं वो, तो पांच ना हो तो दो तीन तो बड़े ख्याल होने चाहिए, बड़ा ख्याल कोई एक या दो ध्रुपद धमार कर लो आप तैयार, और छोटा ख्याल जितने भी राग दिए हैं, या बहुत अच्छा होगा कि आप फर्स्ट ईयर से लेके और एमए किया है या जो ग्रेजुएशन किया है या प्रभाकर किया है आपने, तो इतने जितने भी आपने राग सीखे उनमें से ज़्यादा राग आप तैयार कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू में पता नहीं रहता क्या सुनेंगे आपसे क्या नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो जो लोग ये उन लोगों के लिए है जो लोग स्पेशली इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट आने का, और रिज़ल्ट तो आना ही है, रिज़ल्ट तो आएगा ही, लेकिन जो लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहिए वो इंटरव्यू पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट के लिए परेशान होने से अच्छा है कि आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, जो चीज़ मैंने इसमें बोली है। और इसको थोड़ा मैं डिटेल में भी कोशिश करूँगा बताने की, अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे इसके लिए तो इंटरव्यू की तैयारी और कैसे करनी है इस पे एक वीडियो, एक बस इन्फॉर्म करने के लिए आपको था कि जो लोग वहाँ फोकस अपना कर रहे हैं रिज़ल्ट कब आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप रिज़ल्ट इंटरव्यू की तैयारी करिए, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा फिर आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन लोगों के साथ में जो स्पेशली तबला से हैं, तबला से एमए किया है, ग्रेजुएशन किया है, प्रभाकर किया है, जो भी किया है, और वो वहाँ जाएंगे तो उनसे गाना ही सुना जाएगा, या कभी कभी डांस भी थोड़ा सा करवा के देखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें और इंटरव्यू की तैयारी पहले करें, ताकि आपको रिज़ल्ट का अपडेट आते ही आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका आसानी से जो इंटरव्यू है आराम से हो जाए और फाइनली आप सिलेक्ट हो सकें। तो और भी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा शेयर करने की। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और आप अपना लगे रहिए एंड
और भी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं KBS से रिलेटेड, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात यह है कि जो लोग KBS के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो वो तो और अच्छी तरह से इंटरव्यू की तैयारी करें इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होगा कि वो NVS में कर लेंगे अप्लाई, लेकिन उनके ग्रेजुएशन में जिसके म्यूज़िक सब्जेक्ट नहीं है, वो क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन में म्यूज़िक सब्जेक्ट मांगते हैं, तो वो लोग खास करके इसकी तैयारी करें और अपने चांस जो बढ़ा सकते हैं आप अपना सिलेक्ट होने का, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, और आप रिज़ल्ट कब आएगा इस पर फोकस ना करते हुए इंटरव्यू में क्या इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, उस पर आप फोकस करेंगे। तो आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फिनिश करता हूँ। बने रहिए RS म्यूज़िक इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, एंड अपने सभी साथियों को वीडियो का लिंक शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें, उनकी भी तैयारी आसानी से हो सके। और चलिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन।